stalwarts in the AI world, and it has a conference which has 43 sessions with 220 speakers and almost 125 countries, and all the top AI experts, practitioners, policymakers will all be participating in it. The kind of talent we have, the kind of an opportunity we see before ourselves, this conference will act as a wonderful forum where we will get to see some of the finest experts from the area of technology, from the area of AI, not only from India but from across the globe. RAISE 2020 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी योजनाओं, नवाचारों और अनुसंधान क्षेत्र के दुनिया भर के विशेषज्ञ तथा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। महामारी जैसे हालात में तैयारियों में AI से लाभ, डिजिटाइजेशन पर नवाचार की प्रगति, समग्र AI सफलतापूर्वक नवाचार हेतु साझेदारी इत्यादि विभिन्न विषयों पर इस सम्मेलन में मंथन होंगे। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में काम करने वाले कुछ उत्साहजनक नव उद्यमों के बारे में भी प्रस्तुति दी जाएगी। स्टार्टअप के लिए दुनिया के तीसरे सबसे बेहतर इकोसिस्टम IIT समेत विश्व स्तरीय विज्ञान एवं तकनीकी संस्थानों, विशाल डिजिटल बुनियादी ढांचे की बदौलत भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने में विश्व की अगुवाई करने में पूरी तरह से सक्षम है। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 2035 तक 957। वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2014 में भी वही बात कह रहा है जो 2018 में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुई है, यानी पूरे देश की तुलना में सबसे ज्यादा इसी राज्य में हुई है। 15 जून 2019 को तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राज्य को परामर्श तक भेजा गया, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में 96 राजनीतिक हत्याएं हुई थी जिन पर चिंता जाहिर की गई केंद्र सरकार के द्वारा। 2014 के लोकसभा चुनावों में देश भर के जब आंकड़े इकट्ठे किए गए तो उसमें पाया गया कि राजनीतिक हत्याओं में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में हुई, 44%। वहीं अगर घायल कार्यकर्ताओं के आंकड़ों पर नजर डालें तो 64% कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में ही घायल हुए। यही नहीं बल्कि हमने लगातार देखा कि पंचायत चुनावों पर भी असर पड़ा है, यानी सत्ताधारी दल के द्वारा एक डर का माहौल बनाया जाता है। 2003 के अगर आप आंकड़े देखें तो 11% पंचायत सीटें हैं जहां निर्विरोध सत्ताधारी दल का ही उम्मीदवार चुना गया, क्योंकि वहां चुनाव ही नहीं हुआ। 2018 में जरा देखिए यह आंकड़ा बढ़कर 34% तक पहुंच गया, यानी 34% पंचायत की सीटें जहां पर चुनाव नहीं हुआ क्योंकि निर्विरोध ही सत्ताधारी दल का उम्मीदवार जीत गया। वहीं अगर हम हालिया घटनाओं की भी बात करें तो राजनीतिक हत्याएं जो हुई हैं तो वही 4 अक्टूबर 2020 जो नेता भाजपा के नेता मनीष शुक्ला जिनकी हत्या हुई और जिनको लेकर बीजेपी भी अब प्रदर्शन कर रही है। वहीं उससे पहले के अगर हम आंकड़े आपको दिखाते जाएं तो 19 सितंबर 2020 को भी एक कार्यकर्ता की मौत हुई, 6 सितंबर 2020 को भी एक कार्यकर्ता रॉबिन पाल की हत्या हुई, 15 अगस्त 2020 सुदर्शन प्रमाणिक की हत्या, 16 जुलाई बापी घोष की हत्या, 13 जुलाई भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ की हत्या, 5 जुलाई भाजपा कार्यकर्ता कृष्ण